हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीरीज वाले प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में 100% पूछे भी जाते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे सीरीज वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और हो सके तो अपने सभी ग्रुप और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। आगे की सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास टाइम पर नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। करंट अफेयर का टाइमिंग है 7:00 बजे, रीजनिंग का है 2:30 बजे और मैथ का है 9:00 बजे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आप इन टेस्ट को परचेज करके 120 रुपये में है और ये आफ्टर डिस्काउंट है, डिस्काउंट के बाद 120 रुपये, अदरवाइज इनका जो प्राइस है 149 है। डिस्काउंट कोड आपको ये भरना होगा, इसके बाद ही आपको ये 120 में मिलेंगे, अदरवाइज ये 149 में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आपसे, लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर तो जरूर ही कर दिया करें, ताकि दूसरे अपने जितने भी दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, साथ साथ में आप भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस का आंसर देके पहले का राइट आंसर बताइएगा वीडियो को रोक करके। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या चल रहा है भाई, देखिए आपको बताना है नेक्स्ट क्या सीरीज, जो ये सीरीज चल रही है नेक्स्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए, W में अगर मैं -4 कर दूँ, क्योंकि S तो पहले आ जाता है ना, तो माइनस चल रहा है, तो -4 कर दे तो S बन जाएगा आपका, तो यहाँ पे -4 चल रहा है। फिर नेक्स्ट अगर मैं S में से -4 कर दूँ तो आपका O आ जाएगा, फिर O में से भी -4 कर दूँ तो आपका क्या आएगा भाई, देखिए O में से -4 होगा तो आपका K आ जाएगा, यानी कि एक तो आपको मिल गया, ये क्या चल रही है -4 वाली सीरीज। फिर यहाँ पे B से आगे जाता है G, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लस चल रहा होगा, तो बी से और जी के बीच में डिफरेंस कितना है 5 का, तो यहाँ पे यानी कि +5 चल रहा होगा, तो बी में +5 किया तो जी, जी में +5 किया तो एल, और एल में +5 करेंगे तो भाई क्या बन जाएगा आपका, क्यू बन जाएगा, क्यू यानी कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, के और क्यू आ गया नेक्स्ट आपका। फिर पी की बात करें तो पी और एम में कितने का डिफरेंस है, 3 का, वो भी -3 का है, ठीक है ना, क्योंकि एम पहले आ जाते, तो पी में से -3 किया तो आपका एम बन गया, M में से -3 करेंगे तो J बन जाएगा, और J में से भी -3 करेंगे तो आपका ये बन जाएगा G, तो यहाँ पे K Q G आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन D बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सभी अल्फाबेट के नंबर्स, तो उसके बाद ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, बस आप भी जल्दी से जल्दी जितने भी आंसर आपसे आते होंगे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट इतना भी हार्ड नहीं है कि नहीं हो पाएगा। देखिए सबसे पहले डिफरेंस चेक करिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 15 और 39 के बीच में, 15 और 39 के बीच में डिफरेंस जो है आपका 24 का है, 39 और 74 के बीच में डिफरेंस कितना है 35 का है, और 74 और 122 के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 48 है ना, हाँ 48 हो जाएगा। तो देखिए इनके बीच में जो डिफरेंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि 24 हुआ, 35 हुआ, 48 हुआ, तो यानी कि कुछ ना कुछ प्लस ही चल रहा होगा, क्योंकि अगर सीरीज बहुत ही फास्टली इंक्रीज होती है तो वो मल्टीप्लाई हो सकती है या फिर स्क्वायर क्यूब हो सकता है, बट यहाँ पे सीरीज जो है वो बहुत ही धीरे धीरे से इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लस चल रहा है, और प्लस भी हमें पता चल गया है अलग अलग नंबर प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 24 हुआ, फिर यहाँ पे कितना हुआ आपका 35 हुआ, यहाँ पे आपका 48 हुआ। तो अगर मैं इनके पीछे का डिफरेंस चेक करूं तो यहाँ पे कितना था 24, ठीक है, यहाँ पे कितना 35, तो 35 और 24 के बीच का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 11। भाई समझ रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा क्लियर तो नहीं लिखा जा रहा है बट मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। 24 इसमें प्लस किया हमने, ठीक है, फिर इसमें हमने 35 प्लस किया 35, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 11 का आया, ठीक है ना, 11 यानी कि 11 प्लस चला, फिर यहाँ पे हमने 48 प्लस किया, तो 35 और 48 में कितना आया भाई डिफरेंस, या आपका 13 का आया, ठीक है, यानी कि दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इसके पीछे भी देखिए 2 प्लस हो रहा है, तो यानी कि 13 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 15, यानी कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है 15 प्लस करना है, और 15 किस में होगा 48 में, और 48 में 15 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 63, तो यहाँ पे भाई आपका 122 में 63 प्लस होगा, तो 122 प्लस 63, भाई समझ रहे हैं ना आप, थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया तो 85 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 85 इज द राइट आंसर। फिर 85 से भी हम यहाँ पे क्या करेंगे 15 से 2 बढ़ाएंगे कितना होगा 17, 17 को हम किस में प्लस करेंगे 63 में, क्योंकि यहाँ पे कितना आया था 63 में आप कितने 17 प्लस करेंगे
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 80, और 80 को आप अब 85 में 185 में प्लस करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 265। तो आपका ये यहाँ पे कितना आ गया 185 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आया। यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ, तीन तरीके से मतलब इंक्रीमेंट है, 35 हुआ है, इंक्रीमेंट पीछे कितना है 11 का है, नेक्स्ट हमारा कितना का है 48 का है, यानी कि यहाँ पे 34 प्लस हुआ, यहाँ पे 35 प्लस हुआ, और इसके पीछे भी आपका इंक्रीमेंट जो 11 का और फिर 13 का और फिर 15 का है, यानी कि 11 से 13 दो का, 13 से 15 दो का, जो लास्ट में प्लस 2 चल रहा है ना, ये तो फिक्स है, बट फिर इंक्रीमेंट जो है उसके हिसाब से चल रहा है। अगर इसके बाद भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 2 डाल के मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग से सेपरेटली इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 3 को जल्दी से ट्राई करिए और राइट आंसर क्या रहेगा वो मुझे बताइएगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही बिल्कुल सिंपल सी एक सीरीज चल रही है। देखिए 8 और 3 कितने हो गए भाई 11 हो गए, ठीक है, 11 और 3 कितने हो गए 14 हो गए, 11 और 14 कितने हो गए 25 हो गए, 25 और 14 कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 39, तो यहाँ पे 39 आ जाएगा, तो 39 इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं ना, थोड़ा जूम करके मैं आपको समझाता हूँ इसको। देखिए इस तरीके से 8 और 3 11, ठीक है, फिर 11 और 3 14, 11 और 14 25, और 14 और 25 कितना हो जाएंगे 39, यानी कि लास्ट वाला जो इससे पहले वाला और जो नेक्स्ट आपको ऐड करना है उस तरीके से सीरीज चली, तो 39 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 4, तो इसको बताइए इसमें क्या चल रहा है। तो ये भी बहुत सिंपल सी सीरीज है, और इसमें क्या चल रहा है बेसिकली, यहाँ पे एक बीच में छोड़ करके ये वाला, यानी कि देखिए इस तरीके से ए बी सी, फिर यहाँ पे डी ई एफ, फिर यहाँ पे जी एच आई, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, जी एच आई, यानी कि ए बी सी फिर डी ई एफ जी एच आई, तो ये बीच बीच में छोड़ के चल रहा है, फिर यहाँ पे क्या चल रहा है पी क्यू आर, ठीक है, एस टी यू, तो इस तरीके से सीरीज चल रही है, तो ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे 5 का बताइएगा राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, 96, 108, 131, 126, इन चारों में से क्या आएगा यहाँ पे, तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से 15 से 31 हो गया, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 16 का डिफरेंस है। अगर मैं 16 की बात करूँ किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 36 का डिफरेंस है, तो 36 के डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, यानी कि यहाँ 4 का स्क्वायर था या 6 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट आपका 8 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 864, और 67 में 64 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 131, तो 131 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ट्राई कर लीजिएगा एक बार, और फिर नेक्स्ट आपका कितने का आना चाहिए 10 का स्क्वायर आना चाहिए, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 131 में जब हम 100 प्लस करेंगे तो 231 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही है, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, 6 का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा, जल्दी से ट्राई करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पर्सनली मैं मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा है, इस तरीके की सीरीज बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो आप मुझे जल्दी से ट्राई करके बताइएगा 6 का राइट आंसर कितने बच्चों ने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में किया है। तो यहाँ पे देखिए 720 को, देखिए वीडियो को रोक करके ट्राई कर ले करें, मैं टाइम बीच में नहीं दूंगा क्योंकि फिर टाइम जितना देता है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो 720 से 180 गया, ठीक है, 720 को 4 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 180 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 720 को 4 से मैंने भाग किया 180 आ गया, और 180 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया 176 आ गया, यानी कि एक बार तो इसको डिवाइड किया जा रहा है और एक बार उसमें से माइनस किया जा रहा है, तो 720 को 4 से डिवाइड किया 180, 180 में से 4 माइनस किया तो 176, फिर 176 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका फिर 44 आ गया, 44 में से 4 माइनस किया तो आपका 40 आ गया, फिर 40 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 10 आ गया, और 10 में से 4 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है भाई 6 आ जाएगा, फिर 6 को मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो कितना आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा, और 1.5 यहाँ पे आपका आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो सीरीज अच्छी थी ना, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 7वें पे आ जाते हैं, और 7वें का राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जी, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जितने बच्चों ने भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया है
पाँच दूनी दस, ठीक है, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80 और 80 दूनी 160। तो यहाँ पे 160 आ जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन था और आशा करता हूँ कि सभी ने इसका राइट आंसर किया होगा। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की सीरीज मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा मोटिवेट मुझे भी क्या करें वीडियो को लाइक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ गए हैं और 8 का देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे राइट आंसर करते हैं। अपना नाम भी लिख दिया करें, जितने बच्चे राइट आंसर अब अगर आपका आता है तो अपना नाम टाइप कर दिया करें कमेंट बॉक्स में कि सर मेरा नाम ये है और मैंने सही आंसर दिया था। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वो अभी 6-7 क्वेश्चन था, सॉरी 6 वाला क्वेश्चन था वो अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चल रहा है, ट्राई करिए डिफरेंस चेक कर लिया करें। ठीक है ना, डिफरेंस चेक करके आप क्वेश्चन को करेंगे तो इजिली कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है भाई, अगर मैं इसकी बात करूं तो 14 का डिफरेंस हो जाएगा। 14 का डिफरेंस का मतलब यहाँ पे ये भी तो हो सकता है 15 दूनी 30 माइनस 1, भाई 15 की मल्टीप्लाई मैंने 2 में की, 30 और 30 में से -1, ज़्यादातर चांसेस यही है। चलिए फिर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ 29 इंटू 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 58 और 58 में से -2 कर दूंगा तो 56। ठीक है, इस तरीके से सीरीज चली होगी। 56 की मल्टीप्लाई मैंने 2 में की तो कितना हो जाएगा 112, 112 में से 4 माइनस कर देंगे तो 108। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 2 की मल्टीप्लाई तो चल रही है बट जो माइनस है वो पहले एक माइनस हुआ, यहाँ पे 15 में से 2 की मल्टीप्लाई करके एक माइनस हुआ, फिर यहाँ पे आपका 2 माइनस हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 माइनस हुआ, यानी कि डबल डबल करते जा रहे हैं। नेक्स्ट अब की बार 8 माइनस होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ 108 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 216, और 216 में से 8 माइनस करूँगा तो 208 बच जाएगा। फिर नेक्स्ट हम अगर बात करें तो 208 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपकी बार 8 यानी कि 16 माइनस होगा तो 416 हो जाएगा। 416 में से जब आप माइनस करेंगे यहाँ पे 16 को, सॉरी 8 को, हाँ 16 को, मतलब 400 हो जाएगा। फिर 400 का मैंने डबल किया तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 की गुणा करी 800, और 800 में से 32 माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे 16 हो चुका, 16 का डबल कितना होगा 32, तो 800 में से 32 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा भाई 768। तो 768 इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छी सीरीज की आशा करता हूँ ये भी समझ में आई होगी आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस टाइप की और भी बहुत सारी सीरीज मैं लेके आ सकता हूँ अगर आप मुझे बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 का राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा सा मतलब अलग सा है टाइप, थोड़ी सी अटपटी सी ये सीरीज आपको लगेगी जब मैं इसको बताऊंगा। आशा करता हूँ कि आपने ट्राई तो कर ही लिया होगा 9 को। देखिए यहाँ पे 133 से 183 जा रहा है तो इसमें सीरीज चल क्या रही है, कितना जा रहा है 183, तो यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस कितना है 50 का, तो यानी कि प्लस 50 हुआ होगा। ठीक है, अगर ये देखिए प्लस वाले सीरीज क्यों हैं, क्योंकि ये इंक्रीमेंट ज़्यादा स्पीड से नहीं है, जो आपका बहुत ही जल्दी जल्दी इंक्रीमेंट होता है वो चलता है आपका मल्टीप्लाई में। ठीक है, या फिर दो नंबर की मल्टीप्लाई हो सकती है या फिर स्क्वायर प्लस कुछ हो सकता है, तब बहुत जल्दी जल्दी सीरीज आपकी इंक्रीज हो जाती है। बट जब धीरे धीरे सीरीज इंक्रीज होती है इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ प्लस, तो यहाँ पे प्लस आपका 50 है। नेक्स्ट आपका प्लस 50 प्लस, यानी कि डिफरेंस जो है वो 58 का है, यानी कि प्लस 50 प्लस 8 चल रहा होगा। सबसे पहले 50 प्लस हुआ, फिर 50 प्लस 8 प्लस हुआ यानी कि 58 प्लस हुआ, फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 58 प्लस 8 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 58 प्लस 8 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 60, और 64 आपका प्लस हो जाएगा, सॉरी 66 प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 66 प्लस हुआ, फिर 66 में हम क्या करेंगे 8 प्लस कर देंगे। भाई आप समझ रहे हैं ना क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 58 प्लस 68 प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा 74 हो जाएगा, तो यहाँ पे 74 प्लस हुआ, 74 में फिर 8 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, तो यहाँ पे 82 प्लस हो जाएगा, फिर 82 में फिर 8 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यही 82 प्लस होगा ना लास्ट में जाके, तो आपका 553 हो जाएगा, यानी कि 553 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 74 यहाँ पे प्लस हो गया तो 74 के बाद में 82 ही प्लस होगा ना, क्योंकि 8 प्लस चल रहा है भाई। यहाँ पे 50 प्लस हुआ, फिर डिफरेंस कितना 8 प्लस, फिर 8 प्लस करके यहाँ पे 66 हो गया, फिर 8 प्लस करके 74 हो गया, फिर 8 प्लस करके यहाँ पे कितना होगा 82 हो जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस करके तो 463 में 8 प्लस करेंगे तो आपका 553 553 इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि ये सीरीज भी आपको समझ में आ गई होगी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्राई करिए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या रहेगा।
इसकी भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बी से डी और डी से एफ कितना डिफरेंस चल रहा है, दो दो का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एफ से भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, टू का, तो यहाँ पे एच आ जाएगा, ठीक है भाई। भाई प्लस टू चल रहा है ना, प्लस टू प्लस टू, तो एफ के बाद में प्लस टू करेंगे तो एच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में भी आपका प्लस टू प्लस टू, और क्यू में प्लस टू करेंगे तो एस हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस टू प्लस टू और प्लस टू करेंगे तो यहाँ पे, यानी कि एस में प्लस टू करेंगे आपका यू हो जाएगा। तो एच एस यू इज़ द राइट आंसर। तो एच एस यू देख लीजिए किस में है, एच एस यू आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके की सीरीज है जो कि मतलब आपकी ये चल रही है इसमें। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ये, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, और इन सभी के आंसर भी मैंने इसके नीचे दे रखे हैं, ठीक है। तो इस 11वें का तो आप राइट आंसर आप मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे, अगर आप इसका बता देते हैं, ठीक है। अगर नहीं बता पाते तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो 11वें का राइट आंसर क्या रहेगा ये प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है या फिर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि मैंने इसमें ना सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हुए हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे सारी PDF डेली अपलोड हो जाती है। तो वहाँ से जाके ज्वाइन करके आप इन PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे ये टेस्ट, अगर आपने अभी तक परचेज करके टेस्ट लगाना स्टार्ट नहीं किया है, तो सभी टेस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से परचेज करके इन टेस्ट को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। डिस्काउंट कोड आपका ये है, अगर आप इस कोड को भरते हैं तो ₹120 मिलेगा, अगर आप इस कोड को नहीं भरते हैं तो ये 149 में आपको टेस्ट मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो को आपने लाइक शेयर कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।